आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का विरोध देश का विरोध कहलाया जाता है, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जब असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं तो उनको रोकने का काम एक ऐसा व्यक्ति करता है ना जिसके पास कानून और ना संविधान की ना कोई जानकारी है ना नॉलेज, वो असदुद्दीन ओवैसी को इंटरप्ट करने का काम करते हैं। उसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आप मेरे को जितनी मर्जी गोली मार दीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। और एक मुस्लिम सांसद का इस तरह का बयान देना कि आप मुझे गोली मार दीजिए, जगह बताइए, हम वही आ जाएंगे, मतलब क्या देश किधर जा रहा है? अरे देश किधर क्या जा रहा है, पूरे देश को पता है कि किस प्रकार से एक मुसलमान को लेकर क्या कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिदूड़ी पहले बयान देते हैं। एक मुसलमान को नहीं, देश के तमाम मुसलमानों के ऊपर वो बयान होता है, लेकिन शर्म इस बात की आती है कि शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग चुपचाप मौन बैठे रहते हैं। इस और एक बात देश के लोगों को बता दूं कि इस देश की मुल्क की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होंगे आप। और आज अगर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह होते ना इस देश में, तो आप लोगों की हरकत देख के वो कभी फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ते, और आज ऊपर बैठ के उनकी आत्मा भी रो रही होती और ये सोच रही होगी कि हमने भी किनके लिए फांसी की सजा खाई, हमने किसके लिए फांसी का फंदा चूमा, उनके लिए जिनको हमने ये समझाया कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, आप भारतीय हो, आप भारत देश के नागरिक हो, जिनको हमने समझाया कि एकजुट रहोगे तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता, इसलिए उन्होंने फांसी का फंदा चूमा। लेकिन एक चीज मैं अब बताता हूँ आपको कि इस देश के अंदर किस प्रकार से और किस तहत लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जनता का दिमाग हिंदू और मुसलमान पर लगाकर, मंदिर और मस्जिद पर लगाकर जिस तरीके से आज डेमोक्रेसी को हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस शब्द आप लोकतंत्र की आप और मैं चर्चा करते हैं, असल में वो लोकतंत्र बचा ही नहीं है। जिस तरीके से पहले पार्लियामेंट से सांसदों को निलंबित किया जाता है, बिल को लाकर पास कर दिया जाता है, तो आप एक काम करिए ना, आप जिस तरीके से कुछ दिन में नरेंद्र मोदी ये भी कह सकते हैं कि भैया विपक्ष को चुनाव लड़ने की अनुमति ही नहीं है, आज तो विपक्ष को संसद से बाहर किया गया है, कल को विपक्ष को जो है वो देश से भी बाहर किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उनको कह दिया जाएगा कि आप चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते। आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का विरोध देश का विरोध कहलाया जाता है, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जब असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं तो उनको रोकने का काम एक ऐसा व्यक्ति करता है ना जिसके पास कानून और ना संविधान की ना कोई जानकारी है ना नॉलेज, वो असदुद्दीन ओवैसी को इंटरप्ट करने का काम करते हैं। उसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आप मेरे को जितनी मर्जी गोली मार दीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। और बात भी हकीकत है, आप इस देश में किस किस को गोली मारोगे? इस देश का प्रत्येक नागरिक आज आपके जुल्म और अत्याचार के खिलाफ खड़ा है। आप भले ही ईवीएम के दम पर सरकार बना सकते हैं, सत्ता बना सकते हैं, लेकिन इस देश के नागरिक आपके विरोध में हमेशा खड़े रहेंगे। जिस नागरिकों से आपने झूठे वादे करिए और झूठे वादे कर आपने आज जिस तरीके से बाबा साहब के संविधान की हत्या करी, एक बात मुझे बताइए, पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद ने जगदीप धनखड़ के ऊपर प्रतिक्रिया करी, आप सभी को पता है, उनके चलते सभी को निलंबित कर दिया गया। एक ऐसा सांसद जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं था, उसको भी पार्लियामेंट से निष्कासित किया गया। आप पार्लियामेंट पर एक ताला लगा दीजिए ना, कोई सांसद आएगा ही नहीं, बैन कर दीजिए। कह रहे हैं कि जो ये सांसद जो है अपमान कर रहे थे वहाँ पे, बेफजूल सवाल करते, हेमा मालिनी का आपने नहीं सुना? जब कांग्रेस की जो सांसद है हेमा मालिनी ने कहा कि वो सवाल पूछ रहे थे, हेमा मालिनी ने सच कहा कि वो सवाल पूछ रहे थे। और जब विपक्ष जब सवाल करते हैं तो उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं होता है। दूसरी बात ये कि जब कांग्रेस की जो क्या कहते हैं स्पीकर थी मीना कुमारी, उनके ऊपर तो लाइव मिमिक्री टीवी के अंदर चल रही थी, टीवी में, तब तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला। और आज जो लोग कह रहे हैं कि भैया किसानों का और जाटों का अपमान है, जब ये किसान जो है बैठे हुए थे उस वक्त आप कहां थे? जब हमारे 800 से ज्यादा किसान जो है वो शहीद हो गए, उस वक्त पे आप कहां थे? तब किसानों का अपमान नहीं हुआ? जब हमारी जाट बेटियां या पहलवान बेटियां, किसान की बेटियां जब जंतर मंतर पर धरना दे रही थी और वो कह रही थी कि मेरे साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तब आप कहां थे? तब आपको नजर नहीं आया? तब आप कहां थे जब जाट आंदोलन में हमारे भाई शहीद हो गए? तब आप कहां थे? नहीं, तब नहीं बोले आप जाटों को लेकर? जिस तरह से ये जो कानून है उसमें बदलाव, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुस्लिम लड़के जो अंडर ट्रायल है इसमें। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उमर खालिद। उमर खालिद लंबे टाइम से जेल के अंदर है, आज तक बाहर नहीं आए उमर खालिद, क्यों नहीं आए? और आप ये देखिए ना कि जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग हो रहा है आज इस देश के अंदर, कानून का दुरुपयोग ही तो कर रही है बीजेपी, और क्या कर रही है? आज भारतीय संविधान को तार तार कर दिया गया, पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के जो सांसद हैं उनको जाने की अनुमति नहीं, और उसके बाद ये तक कह दिया कि आप जो है यहाँ की लाइब्रेरी में और लॉबी में भी नहीं रह सकते खड़े। आप सोचिए कि कहने का मतलब यह कि विपक्ष के सांसद अब चुपचाप अपने घर चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर बहुत जल्द
चुनाव प्रक्रिया को भी समाप्त कर सकती है, ये बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। लेकिन एक मुस्लिम सांसद का इस तरह का बयान देना कि आप मुझे गोली मार दीजिए, जगह बताइए, हम वहीं आ जाएंगे, मतलब क्या देश किधर जा रहा है? अरे देश किधर क्या जा रहा है, पूरे देश को पता है कि किस प्रकार से एक मुसलमान को लेकर क्या कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिदूड़ी पहले बयान देते हैं, एक मुसलमान को नहीं देश के तमाम मुसलमानों के ऊपर वो बयान होता है। लेकिन शर्म इस बात की आती है कि शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग चुपचाप मौन बैठे रहते हैं। इस देश के अंदर क्या मुसलमान होना अपराध हो गया है? बताइए ना आप मुझे, वो मुसलमान इस देश का मुसलमान जिसने आजादी की लड़ाई में अपने बाप दादाओं को खो दिया, आज आप उस मुसलमान को देशद्रोही साबित करने में लगे हो। आखिर इस देश के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीते कुछ साल में हिंदू और मुसलमान के बीच इतनी नफरत पैदा हो गई? कारण क्या है उस नफरत का? उस नफरत का एक ही कारण है कि सियासत में बैठे लोग अपनी सियासत को पाने के लिए देश के लोगों को लड़ा रहे हैं। और एक बात देश के लोगों को बता दूं कि इस देश की मुल्क की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होंगे आप। और आज अगर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह होते ना इस देश में, तो आप लोगों की हरकत देख के वो कभी फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ते, और आज ऊपर बैठ के उनकी आत्मा भी रो रही होती और ये सोच रही होगी कि हमने भी किनके लिए फांसी की सजा खाई, हमने किसके लिए फांसी का फंदा चूमा, उनके लिए जिनको हमने ये समझाया कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, आप भारतीय हो, आप भारत देश के नागरिक हो, जिनको हमने समझाया कि एकजुट रहोगे तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता, इसलिए उन्होंने फांसी का फंदा चूमा। लेकिन आज वही उस देश में दोबारा से घटित हो रहा है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने एक नीति को अपनाया, फूट डालो शासन करो, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ और उसके बाद इनके ऊपर राज करो, वही काम आज बीजेपी कर रही है। लेकिन ये देश के लोग आंख के अंधे और कान के बहरे हो गए हैं, जिनको ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही, और आप नहीं समझोगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। अच्छा मोहित शर्मा, आप खुद कानून के छात्र है, बैरिस्टर असुद्दीन वैसी बैरिस्टर है, वो कह रहे हैं कि ये जो कानून है रॉलेट एक्ट, जो अंग्रेजों के जमाने का कानून है, उससे तुलना कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, रॉलेट एक्ट के बारे में आप पढ़कर देखिए ना, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ के देखिए आप, रॉलेट एक्ट को देखिए, गिरमिटिया मजदूर को देखिए, इनको पढ़ के देखिए ना, ये एक्ट ऐसे थे जो जिस तरीके से भारत देश के लोगों को एक तरीके से गुलामी की जंजीरों में बांधने वाले कानून थे। आजाद भारत है ना मोहित शर्मा, ये आजाद भारत है। आजाद भारत में तो लोगों को बोलने का भी अधिकार है, राइट टू स्पीच का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन का अधिकार है। क्या ये अधिकार आज लोगों को पाने दिए जा रहे हैं? लोगों को बोलने का अधिकार है, तभी तो पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष बोलता है तो उसको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाता है। विपक्ष की गलती सिर्फ इतनी थी कि पार्लियामेंट में जवाब मांग लिया कि आखिर इतनी बड़ी संसद के अंदर चूक हुई तो हुई कैसे, गृहमंत्री जवाब दे, गृहमंत्री जवाब नहीं देते, सीधा पार्लियामेंट से विपक्षों को भारी हो जाते हैं। तो मोहित शर्मा, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जो है आप भी कह रहे रोलेट एक्ट से तुलना कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि जो अंग्रेजों के कानून थे उसको हम लोग मिटाने का काम कर रहे हैं, मुगलों का कानून था उसको मिटा रहे हैं हम। आप अगर मुगलों के कानून को मिटा रहे हो, अंग्रेजों के कानून को मिटा रहे हो, तो आप सबसे पहले लाल किले पे, जिस लाल किले पे आप झंडा लहराते हो वो भी मुगलों ने बनाया है, उसका क्या करोगे आप? ये बताइए ना आप मुझे, जिस ताजमहल को आप विश्व के 7 अजूबों में गिना जाता है वो भी मुगलों ने बनाया है, आप बताइए ना मुझे। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश कौन थे जरा ये बताए, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करा? नहीं, जो गलत है उसको सुधारा जाएगा ना? नहीं, जो गलत है तो उसको सुधारा जाएगा। तो एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने बेटियों के साथ बलात्कार किया, पूरे परिवार को कुचलवा के मरवा दिया, उनको फांसी के फंदे पर क्यों नहीं लटकाया? दीजिए ना आप इस सवाल का जवाब। तो मॉब लिंचिंग के लिए तो कानून बन ही गया। मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाए, बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए सबसे पहले। बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले बीजेपी के नेता होते हैं जो फांसी के फंदे से बच जाते हैं, पहले उन्हें फांसी होनी चाहिए। तो ये जो कानून है इसका तो सराहना करिए कि मॉब लिंचिंग हो जा रहा था, जहीं कहीं भी हो जा रहा था, तो इस पे तो सख्त कानून बनाए ना। मॉब लिंचिंग पे कानून बहुत पहले बनना चाहिए था, और मॉब लिंचिंग हो कैसे रही है उसका कारण है सरकार। सरकार मॉब लिंचिंग कराती है। सरकार मॉब लिंचिंग कैसे कराती है कि सरकार के नेता उठपटांग बयान देते हैं और वो मीडिया जनता का माइंड वॉश करती है, जिस कारण लोगों की मॉब लिंचिंग होती है। पहले भी इस देश में लोग रहते थे, पहले तो कभी मॉब लिंचिंग नहीं हुई। आखिर मोदी सरकार के आने के बाद मॉब लिंचिंग क्यों हुई? चाहे वो गाय के नाम पर हो, चाहे फिर वो हिंदू मुसलमान के नाम पर हो, क्यों मॉब लिंचिंग हुई? पहले नहीं होती थी। मॉब लिंचिंग इसलिए होती है क्योंकि सरकार जो है एक और तो गाय को राष्ट्रीय पशु बताती है, गाय को जो है कहती है कि गाय हमारी माता है, लेकिन गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करती है। अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें तो भैया जो मेघालय में जो बीजेपी का नेता है जो कहता है कि मैं बीफ खाता हूं, इससे ना मुझे आपत्ति है ना मेरी सरकार को, उनके भी मुंह पर ताला लगेगा। आप क्या समझते हैं इस देश में नॉनवेज का सिर्फ मुसलमान खाता है?
आप आधार कार्ड देकर मीट की दुकान पर शुरू करिए ना, कि जो भी मीट लेना है पहले आधार कार्ड दिखाए अपना, आपको पता चल जाएगा कि बना हुआ बकरा मुर्गा कोई मुसलमान नहीं लेता, सबके मुसलमानों को तो घरों में बनता है। गिरिराज सिंह तो कह रहे कि झटका आप लोग खाइए, हलाल नहीं खाइए। अरे झटका और हलाल क्या होता है जरा ये तो बताइए, आप तो जनता को झटके से भी कर रहे हैं और हलाल से भी हलाल कर रहे हैं, आप तो जनता को हलाल करने में लगे हुए हैं। आप अपने और गिरिराज सिंह कितने पढ़े लिखे हैं बताइए ना मुझे, कि गिरिराज सिंह कितने पढ़े लिखे हैं? गिरिराज सिंह ये जो जिस तरीके से बयान देते हैं, मैं कहता हूँ गिरिराज सिंह को कि आए और किसी पढ़े लिखे नेता के सामने बैठे, और जिस दिन हम जैसा नौजवान संसद के अंदर बैठ गया ना, उस दिन आप जैसे लोगों की बोलने की हिमाकत भी नहीं होगी। ये बात मैं बोल रहा हूँ, ये गिरिराज सिंह जैसे लोग इसलिए बोल देते हैं क्योंकि आज देश की पार्लियामेंट में लोग बोलने वाले नहीं है, देश के विपक्ष के नेता ना जाने क्यों नहीं बोलते, नहीं तो इन जैसे नेताओं को ऐसा जवाब मिले जो झटके और हलाल की बात करते हैं। जरा ये कोई मुझे बताए कि भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर वन आ गया, कैसे आ गया? ये अलकबीर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसकी है? अगर बीजेपी के फंड में कोई मोटा मोटा पैसा दे तब तो सही है। बीजेपी के राज्य में मेघालय के अंदर वो जो बीफ जो खा रहा है उनकी पार्टी का नेता, वो झटके की खा रहा है या हलाल की, जरा ये तो बताए। और जिस बिहार की आप बात करते हो, उस बिहार में भी तो मिथिलांचल के अंदर जो वहां के ब्राह्मण है वो पान मांस और मखान खाते हैं, जरा बताइए ना आप मुझे उसको लेके क्या बोलेंगे गिरिराज सिंह? और गिरिराज सिंह खुद खाते होंगे। और दूसरी बात यह कि वो राम मंदिर के उद्घाटन में वो लोग ना घुस जाए जो मीट मच्छी खा रहे हैं, और फिर वहां राम मंदिर के उद्घाटन में भी घुस जाएंगे। ये आधे से ज्यादा लोग जो मुर्गा और मांस खाते हैं पूरे हफ्ते में खाएंगे, और उसके बाद एक दिन छोड़ देंगे, आज मंगल है, जैसे पूरा पेट इनका क्लियर हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ कि राम मंदिर के उद्घाटन में वही पहुंचे जो मांस मच्छी ना खाता हो, ये मांस का भी सेवन करते हैं, मदिरा का भी सेवन करते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो मंदिर के उद्घाटन में पहुंचते हैं। इनके लिए एक ही कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये याद रखिए। हाँ, सुबह को पिए 200 ग्राम, शाम को पिए 900 ग्राम, और फिर बोले जय श्री राम, ये उनका हिसाब है, ये समझिए। भटके हुए वो, भटके हुए ये धर्म के बारे में जानते क्या हैं? ये धर्म के बारे में इनको पता क्या है? धर्म का उपहास इन लोगों ने उड़वाया है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए हनुमान जी को क्रेन से लटका के माला पहनवाई गई, ये धर्म का अपमान नहीं तो क्या है? मतलब भगवान जो है वो एक इंसान का वो करेंगे स्वागत, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि अंधभक्ति में इतना चूर हो गए कि अपने धर्म को भी ताक पर रख दिया, और इस देश में नफरत के मामले में आप इतने जो है मशगूल हो गए कि आपको अपने देश के भाई नजर नहीं आते, अपना धर्म नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।